नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश की ओर। और यहाँ से ऋषिकेश की कोई दूरी है लगभग कोई 225 किलोमीटर। और मेरे साथ है मेरा भाई, मेरी बुआ का बेटा, तो जो कि हमने यहाँ से जो अभी लूप लिया है दिल्ली से, जो खरखोदा की ओर रास्ता जाता है ना, वहीं से हमने इस पे पिपली गांव वाले रास्ते से इस पे लूप लिया है कुंडली मानेसर पलवल, यानी कि KMP। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और वहाँ आगे चलने एक रास्ता आता है मोदी नगर या मुरादनगर की तरफ, वहाँ से लूप लेके सीधा जाएंगे पहले रुड़की और फिर आगे हरिद्वार ऋषिकेश। चलिए, ये है ये दोषी नहीं, ये दोषी राइडर, ये देसी राइडर। अभी हम फराटा भर रहे हैं KMP, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और अभी घर से कोई 40 किलोमीटर की रन हुई है और लगभग 4 घंटे का सफर बाकी है ऋषिकेश तक का। और मोदी नगर मुदारत नगर से जो लूप लेना है लेफ्ट को, वहीं से सीधा रुड़की की ओर जाएगा। तो लेकिन अभी रास्ते में कहीं दिखेंगे, कुछ चाय पियेंगे, सुबह से वैसे भी खाली पेट है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको सूरज देवता हमें कैसे दर्शन दे रहे हैं सामने से। आ रहा है यहाँ तो गाड़ी का पंजा दबाने में, टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। हालांकि देख परख कर ही गाड़ी चलाएं, तो खाली रोड है तो ये नहीं है कि पंजा दबा दिया और टॉप गियर लगा दिया। हालांकि फिर भी देखो सामने बिल्कुल खाली रोड है। अभी सुबह सुबह का समय है तो जबरदस्त गाड़ी चल रही है। और आपको मैं वहीं मिलूंगा जहां मोदी नगर या मुरादनगर की तरफ लूप लेके हरिद्वार की ओर उतरेंगे। वो ही रास्ता जो मुजफ्फरनगर से आता है ना, वो भी उसी रास्ते पे अटैच होगा। जब लास्ट टाइम जब हम मुजफ्फरनगर गए थे, जब हम देहरादून धनौल्टी की ओर गए थे, तो मुजफ्फरनगर के अंदर से गए थे। अब मुजफ्फरनगर के बाहर से जाएंगे बाईपास का यूज करते हुए। तो चलिए अभी उसी लूप की ओर मिलूंगा आपको, उसी लूप के पास मिलूंगा जब मोदी नगर या मुरादनगर की ओर जाएगा। यहीं तो आगे तो आधा किलोमीटर आगे तो लेफ्ट लूप ले लिए, नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, जो ये लेफ्ट है, हाँ ये लेफ्ट आओगे ना, इसी पे लेफ्ट लेकर नीचे उतर जाएंगे सीधा, उस तरफ उतर जाएंगे। ये हाँ ये वाला लेफ्ट ले ले, जो मुरादनगर का बोर्ड। हाँ हाँ यहीं से लेफ्ट ले ले भाई, मेरठ मुराद ना, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वो हरियाणा की तरफ था वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब आएगा आगे टोल बूथ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, शॉर्ट में कुंडली मानेसर पलवल, दोनों मतलब कोई सिम ले ले, दोनों फास्टैग होंगे। पहले ना होया करते फास्टैग, फिर बाद में जरूरी कर दिया फास्टैग होना इनने। यू एग्जिट है इस तरह, हम बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे। अब यो KMP पीछे रह जाएगा। चलो ये है मुरादनगर वाला रास्ता जो पीछे दिल्ली से आ रहा था, मतलब आपने सुना होगा वो जो मेरठ एक्सप्रेस वे बना था दिल्ली से। अब ये सीधा जाएगा मुजफ्फरनगर बाईपास और फिर रुड़की और फिर हरिद्वार फिर ऋषिकेश। तो चलिए इसी पे आपको कहीं आगे मिलेंगे। बहुत जोर की भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ये तो हमारा यो देसी राइडर घुमक्कड़, ये तो दो लड्डू पाड़ के आया है, एक खाया था दो नहीं खाए थे। अरे एक तो मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया, अब मैं इसी से गाड़ी चलवाऊंगा, फिर कहेंगे ये दूसरों से गाड़ी चलवाता है राइडर का, खुद हम राइडर का है दूसरों से गाड़ी चलवाता है। इसके पास चार चार आंख है ना, तो ये अच्छी गाड़ी चलाता है। अरे पहले दो खराब हो गई थी इसलिए दो, दूसरी तो अच्छी लगी हुई ना, बराबर दो ही होगी ना, 2+2 हो गई। अरे 2+2 नहीं, जब माइनस माइनस जुड़े हैं तो धमाका होया करे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कहीं छाव में गाड़ी लगाएंगे, धूप होगी, 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे अभी तो भी। चलिए चलते हैं आगे। अभी हम रुके हैं दोराना नाम की एक जगह पर, और एक जगह का नाम तो मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ गोलगप्पे वाला मिल गया, गोलगप्पे खा रहे थे। अभी सुबह से 135 किलोमीटर का रन हुआ है, तो अभी दिखाता हूँ मैं गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं दोराना नाम की जगह। यहाँ की लोकेशन में
डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लेके यहाँ रुक सकते हो गोलगप्पे खाने के लिए या हल्का सा हॉल्ट लेने के लिए। चलिए आइए देखते हैं गोलगप्पे। ये है गोलगप्पे। अच्छा भाई, मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, आप क्या क्या बनाते? टिक्की भी, बल्ले पापड़ी। ये बल्ले पापड़ी, गोलगप्पे। अच्छा छोले कुलचे भी हैं, मजेदार है। हाँ भाई, यो देसी राइडर घुमक्कड़, इधर आ जाओ। छोले, अरे वाह, मैंने भी इतनी भूख ही लगी होगी। ये पानी, अरे मस्त मजा आ गया गोलगप्पे खा के। तो ये दोराला नाम की जगह है, इसकी मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। चलिए अब आगे निकलते हैं, काफी टाइम लग जाएगा नहीं तो, क्योंकि 4 घंटे करीब होगा रन, और 135 किलोमीटर ही आए हैं अभी तो। हाँ भी राइडर बाबा, चलो अब आगे चलते हैं। अरे कहाँ चल दे बाबू जी? अरे बाबू जी कहाँ चलेंगे, एक 4 दिन की छुट्टी मिली थी, हम सोचा घूमने निकले, यहाँ तो हमारी बैंड बज गई। ये देखो, हम सोचा था कि कहीं रुकूं, साथ में गाड़ी साथ लाया हूँ, मुसाफिर हूँ, तो सोचा था कि कहीं मैगी खाऊंगा, पर ये तो रोड हमें ही खा रहा है। वो देखो जबरेड़ा, आज तो बुरे फंसे हुए जाम में, ये दिन का 3रा जाम है, और हरिद्वार कोई तकरीबन 40 किलोमीटर बचा हुआ है, और दिन का 1 बज गया, और सुबह 7 बजे चले थे, फंस गए जाम में बुरी तरीके से। ये सारा नॉर्थ इंडिया का जाम है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब, क्योंकि 4 दिन की लगातार छुट्टी आई हुई है, लॉन्ग वीकेंड है, इस कारण सभी निकले हुए हैं घूमने के लिए। और हमारा तो दिल्ली वालों का पेट डेस्टिनेशन है ये हरिद्वार ऋषिकेश। अब देखते क्या होता, कितनी देर तक पहुंच पाता हूँ। जो मैंने प्लान बनाया होता, मैनेज किया होता, उस हिसाब से तो शायद अब नहीं चला पाएगा। देखता हूँ आगे होता क्या है, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। अब भूख लगने लगी है जोरों से, तो अब कहीं ना कहीं खाना खाने के लिए रुकूंगा जाम क्रॉस करके, पर क्या पता हो सकता है जाम शायद हरिद्वार तक ही हो। देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए अब चलते रहिए जाम को देखते हुए। ये आज तो बुरे फंसे भाई, ये है हर की पैड़ी, और इधर सामने लगा हुआ है जाम, इसी जाम में हमें हो चुके हैं 10 मिनट, और बड़े बच गए भाई, इस जाम ने तो परेशानी में डाल दी आज तो। हरिद्वार ऋषिकेश से तो देहरादून की तरफ रखा जाता है, नेपाली फार्म से होते हुए एलिफेंट अंडर पास है, हाथियों के जाने का रास्ता, और ये पीछे है हमारे इधर राजा जी नेशनल पार्क, इसी के नीचे से वो रास्ता। तो अपना जो पहला एपिसोड है उसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, और जाम इतना मिला हमें रास्ते में। तो अभी हम आपको आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में होटल पे, देखते हैं कहाँ होटल लेते हैं या होम स्टे लेते हैं, फिर आपसे होटल पे ही बात करेंगे। बाय बाय।